Jazeera. अरे साजू, अभी तक तुम यही हो? ट्यूशन पढ़ाने गई नहीं बेटा? आपको शाम की दवा दिए बिना कैसे जा सकते थे? ये लीजिए। अम्मी हम हैं, लेकिन अम्मी होने का फर्ज आप अदा कर रही हैं, वो भी इतनी छोटी उम्र में। बोझ बन गए हैं ना हम आपके ऊपर। ये मुआ कैंसर हमारी जान ले ले तो बेहतर है, कम से कम पीछा तो छूटेगा हमसे आपका। ये क्या फजूल की बातें कर रही हैं आप अम्मी? मरे आपके दुश्मन, और अल्लाह मियाँ को कह चुके हैं हम, इतनी जल्दी नहीं बुलाने वाले वो आपको। अभी तो आपको सचिन की तरह सेंचुरी मारनी है, समझिए आप। अभी हम ट्यूशन के लिए चलते हैं, जरा सी भी देरी हो गई तो आतिक की अम्मी फिर से मसला खड़ा कर देंगे। लेकिन साजू, चाहे कितनी भी देर हो जाए बेटा, लेकिन वो कच्चा वाला रास्ता हम नहीं लेंगे, समझ गए? मेरी पगली बेटी, माफ़ कीजिएगा तस्नीम आपका। टाइम देखा है आपने जी? आज फिर से लेट। अगली बार देर हुई ना तो यहाँ आने का तकल्लुफ मत करना। जाइए। आतिक मियाँ, बहुत मस्करी सूझ रही है आतिक मियाँ को। हाँ चलिए, पढ़ाई करनी है, चलिए। आतिक मियाँ, आज 3 लेसन्स पढ़ने हैं आपको, चलिए। अरे रे रे, आज फिर से डरा दिया आपने हमें, मजा आया? चलिए पढ़ाई कीजिए। बस बेटा, और नहीं खाया जाएगा हमसे। कैसी अम्मी है हम, अपनी बेटी का निकाह करने के बजाय अपनी ही खातिर करवा रहे हैं। लेकिन हमें अभी निकाह करना ही नहीं है अम्मी। क्यों नहीं करना है आपको निकाह? अरे अगर आप निकाह नहीं करवाएंगी तो हमारे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी ना। ना आप कहीं जा रही है, ना आपकी शाजू कहीं जा रही है, जिंदगी भर आप और आपकी शाजू साथ ही रहेंगे। कहिए, रखेंगे ना हमें अपने साथ? कहिए ना, सो गई क्या अम्मी? क्या हुआ अम्मी? अम्मी, 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 कुछ नहीं हुआ आपको? हाँ।
हम अभी डॉक्टर को लेकर आते हैं। अम्मी अम्मी कितनी भी देर हो जाए बेटा, लेकिन वो कच्चा वाला रास्ता हम नहीं लेंगे, समझ गए? खाला की तबीयत दिन ब दिन नासाज होती जा रही है। बेहतरी इसी में है कि हम दवाएं बदल दें। आप कल सुबह क्लिनिक आकर हमसे नई दवाएं ले जाइएगा, ठीक है? हौसला रखिए, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। खुदा हाफिज।
या अल्लाह, ये चादर कैसे जल गई? साजू, साजू, मम्मी, जी मम्मी, ये चादर कैसे जल गई बेटा? वो अम्मी बाहर सूखने के लिए डाली थी ना, तो मोहल्ले के बच्चों ने मस्करी की होगी। पर ये किस नापाक का काम हो सकता है? अरे जाने दीजिए ना, आप ये बताइए आपका दर्द कैसा है अभी? कल रात से थोड़ा ठीक है। तो इसी बात पे आपकी शाजू आपको आपका मनपसंद नाश्ता बनाकर खिलाएगी, ठीक है? अरुण जी, सारी दवाइयाँ? शुक्रिया, ये लीजिए। इन दवाइयों से खाला की तबीयत कुछ वक्त के लिए तो ठीक हो जाएगी, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अब उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं हो पाएगी। शुक्रिया डॉक्टर, आप अम्मी का इतना ख्याल रखते हैं, और जिस तरह कल आपने हमारी मदद की उस तरह के कोई अपना ही कर सकता है। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, खाला मेरी अम्मी की तरह है, उन्हें आपकी बहुत फिक्र रहती है। वो बता रही थी कि आप निकाह नहीं करना चाहती। वो बस अम्मी की तब दरअसल हम किसी को अपने गम में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। जैसा आप ठीक समझे, बस हमारी एक दरख्वास्त है कि आप हमें अपना समझें, और जब भी किसी अपने की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करें। क्या हुआ? चल रहा है। ये कैसे हो गया? यही तो हम सोच रहे हैं कि ये जला कैसे। खैर, हमारी फिक्र छोड़िए, आप खाला का ख्याल रखिए, ठीक है? और कोई भी जरूरत हो तो हमें तुरंत इत्तला करें। जी, आप अपना ख्याल रखें। आप
आतिक, मस्करी बंद कीजिए, आज हमारा मस्करी करने का कोई मूड नहीं है। हमारे पास ये फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है आज। चलिए, पढ़ाई करनी है। आतिक, चलिए पढ़ाई करनी है। आतिक, हमने कहा चलिए पढ़ाई करनी है। चलिए आतिक। अरे आप डरे ही नहीं? आपको ये गेम पसंद नहीं है? नहीं। तो एक नया गेम खेले। कौन हो तुम? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो हमसे? हम कहते हैं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी, चले जाओ मतलब ये इनका घर है। ये लगता है आपकी अम्मी की तरह आपकी तबीयत भी खराब हो गई है। पता नहीं क्यों चिल्ला रही हो मेरे हाथों पर। स्मी मामा, हाँ हाँ, हमें लगा कि ये आपको क्या लगा क्या नहीं लगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कल से आप यहाँ नहीं आएंगी, तंग आ चुके हैं हम आपसे। जाइए आप यहाँ से, जाइए। ठीक है आप? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, कल रात जो हमने देखा सुना महसूस किया वो सपना था या सच? ये सिर्फ हमारा वहम। समीर, अम्मी को खोने के डर से हम कहीं अपने होश तो नहीं खोते जा रहे ना? नहीं शाजिया, आप बिल्कुल ठीक हैं। जो आपने देखा या महसूस किया वो कोई सपना या वहम नहीं था, सच था। कल रात हमें भी अपने आसपास किसी बुरे साए का एहसास हुआ था। पर आप फिक्र ना करें, अपने आप को अकेला ना समझें, हम हैं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नहीं नहीं समीर, आप इस मसले में ना ही पड़े तो अच्छा है। और वैसे भी हमें लगता है कि हमारा आपसे ताल्लुक है और हम आपको पसंद करते हैं, इसीलिए वो बुरा साया आपके भी आसपास है। इसका सिर्फ एक ही हल है, हमारा आपसे दूर रहना। अम्मी, आज जब हम मार्केट से आ रहे थे तो कुछ लोग वहाँ पर बात कर रहे थे कि वो जो कच्चा रास्ता है जहाँ जाने से आप हमें मना करते हो, वहाँ कोई शैतानी साया रहता है, ये सच है क्या? हाँ बिल्कुल सच है, ये जिन रहते हैं वहाँ। इसीलिए तो साजू हम आपको हमेशा उस रास्ते से दूर रहने की हिदायत देते हैं। सुना है कि एक दरवाजा है उस वीराने में जो आग की दुनिया में खुलता है और जिन उसी आग से बने हैं। बहुत खतरनाक होते हैं वो जिन, हल्ला ना करें कि कभी भी उनसे हमारा सामना हो। लेकिन साजू बेटा, आज तुम अचानक हमसे ये बात पूछ रही हो। वो कुछ नहीं अम्मी, ऐसे चलिए आप सो जाइए। हाँ बेटा सोना ही है अब तो। Thank you.
अम्मी अम्मी कहाँ चली गई अम्मी कहाँ गई होगी रूम में भी नहीं है अम्मी 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 जाओ साजू वो आपका इंतजार कर रहा है अम्मी जाओ अम्मी 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 साजू साजू ये हम कहाँ साजू अम्मी साजू आप बहुत बदकिस्मत है साजू बहुत बदकिस्मत आप ऐसा क्यों कह रही हैं साजू वो जिन आपको नहीं छोड़ेगा साजू वो जिन आपको नहीं छोड़ेगा वो जिन आपको छोड़ेगा नहीं साजू वो नहीं छोड़ेगा आपको साजू वो जिन नहीं छोड़ेगा आपको साजू वो जिन आपको नहीं छोड़ेगा साजू साजू आपको वो जिन नहीं छोड़ेगा तुम पे एक शैतानी जिन का साया है बेटी लेकिन लेकिन आपको कैसे ये जिन है क्या ये आखिर हमसे क्या चाहता है ये जिन भी हम इंसानों की तरह अल्लाह की एक मखलूक है बेटी इंसानों के इस दुनिया में आने से बहुत पहले अल्लाह ने मरजिन मीनार नाम की एक आग शुरू की थी उस आग से धुआं नहीं ये जिन निकले थे ऐसे जिन जो मौत से आजाद थे उस दिन से ये इस दुनिया में कायम है मगर इंसानी नजरों से गायब ये जिन हवा की सवारी करते हैं सुबह शाम दिन रात कहीं भी किसी भी इंसानी शरीर पर ये अपना कब्जा कर सकते हैं और हमें धोखा देने के लिए ये इंसानी चेहरे और रूप में भी आ सकते हैं बहुत ही नाखुश सिद्धि और ताकतवर होते हैं लेकिन बाबा हमने क्या किया है वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है तुम उसकी कमजोरी हो बेटी अगर किसी जिन की नजर कोई खूबसूरत औरत पर पड़ जाए तो वो उसका साया बन जाता है और फिर वो उस औरत को अपने साथ अपने दुनिया में चलने के लिए मजबूर कर देता है और उस औरत को तब तक नहीं बख्शता जब तक वो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ उसकी दुनिया के दरवाजे को पार ना कर ले पहले वो खौफ पैदा करता है और अगर खौफ काम न करे तो वो सहारा लेता है धोखे का मतलब
वो हमें खौफ से हाँ हमें इस जिन से बचा लीजिए, हमें इस जिन से बचा लीजिए, हमें अपनी परवाह नहीं है, लेकिन हमारी अम्मी को कैंसर है, वो हमारे बिना बेहद अकेली हो जाएंगी। जिनका मुकाबला तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मगर हाँ हमारे पास एक चीज है, वो हम तुम्हें देते हैं, वो तुम्हें इस मुकाबले में मदद करेगी। ये लो बेटे, ये खंजर है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। वो जिन तुम्हें धोखा देने के लिए इंसानी चेहरा या रूप जरूर लेगा, और जैसे ही वो ये करे तुम उसकी छाती में ये खंजर खोप देना, ये वापस उसे उसकी दुनिया में भेज देगा। लेकिन लेकिन बाबा, हमें पता कैसे चलेगा कि वो इंसान के रूप में जिन्न है? जिन अपना जिस्म अपनी रूह छुपा सकता है, लेकिन आग से बने अपने कदमों के निशान को नहीं। तुम उसके कदमों पे नजर रखना। जाओ बेटे, अल्लाह खैर करे। इतने दिनों से वो शैतानी जिन आपको तकलीफ पहुंचा रहा है और आप अब हमें बता रही हैं? हम आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। हम जानते हैं कि हमने ही आपसे कहा था कि हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन अब हम जान गए हैं कि एक साथी के होने से जिंदगी की जंग कितनी आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम आपके साथ चलेंगे और उस शैतानी जिन को आपकी जिंदगी और आपके साये से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। शुक्रिया समीर। न जाने हमें क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था कि कोई गर्म लावा हमारे अंदर उबल रहा है, पर अब हम ठीक हैं। समीर, हमें ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। हाँ सासी, लेकिन इसके पहले कि वो हमें तबाह करे, हमें उसे तबाह करना है, और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, आपको हमारा साथ देना होगा। वो जिन उस हवेली से खुद बाहर नहीं आएगा, हमें उसे जाकर बाहर निकालना होगा, और अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम ये कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं।
आइए। और अगर खौफ काम न करे तो वो सहारा लेता है धोखे का। जिन अपना जिस्म अपनी रूह छुपा सकता है लेकिन आग से बने अपने कदमों के निशान को नहीं। तो जिन तुमने समीर को डॉक्टर आप समीर हैं। समीर होगा तो सुनेगा ना तुम्हारी बात। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ वक्त आ गया है तुम्हारा मेरे साथ मेरी दुनिया में चलने का। वो जिन तुम्हें धोखा देने के लिए इंसानी चेहरा या रूप जरूर लेगा और जैसे ही वो ये करे तुम उसकी छाती में ये खच्चर खोप देना, ये वापिस उसे उसकी दुनिया में भेज देगा। तुम्हारी मोहब्बत मुशाजिया तुम मुझे नहीं मार सकते। ये खंजर फेंक दो और चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में। चलो शाजिया। हमने उस जिन पर तो फतेह हासिल कर ली लेकिन इस
हमसे छीन लिया, हमने हमारे जमीर हमारी मोहब्बत को हमारे हाथों से मार डाला, हमसे कत्ल हुआ है बाबा, हम बहुत शर्मिंदा है, हम बहुत शर्मिंदा है। नहीं बेटे, तुमने समीर को नहीं मारा। जिस शरीर में तूने खंजर घोपा है वो समीर का था ही नहीं, तुम्हें जिन ने धोखा दिया, वो समीर को पहले ही मार चुका है, इसलिए तुम्हारे हाथों कोई गुनाह नहीं हुआ बेटी। अल्लाह की रहमत है तुझ पे बेटी, अल्लाह की रहमत है तुझ पे। अम्मी, घबराइए मत, आपने देखा ना कैसे हमने दूसरी दुनिया की शैतानी ताकत पर फतेह हासिल कर ली, तो इस दुनिया की बीमारी से कैसा खौफ। इस बीमारी से भी हम साथ मिलकर लड़ेंगे और उस पर फतेह हासिल करेंगे। चलिए अंदर चलिए।